रुक जा नंदिनी। ये कहा रुक, कहाँ भागेगी? मेरे पास आ, आजा। इसने मुझे छूने की कोशिश की। तो क्या डाला कमर पे आज? इतनी छोटी सी बात में शोर क्यों मचा रही है? अच्छे खासे मुड़ की फाट लगा दी तुझे। चल मेरे साथ, सीधे से चल वरना जबरदस्ती ले जाऊंगा। देख मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे, छोड़ उसे। छोड़ दूंगा इसे, 10 मिनट चुप रहे। पहले मुझे इसके साथ थोड़ी मस्ती करनी हो। तू इंसान है या जानवर? हाथ उठा दिया। आप लोगों को अपने माँ बाप समझकर मैंने काफी टॉर्चर किया है। इस गलती को सुधारने के लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ माँ जी। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे आने से पहले यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा था। सॉरी बोल के हो गया, चल निकल। ये मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, समझा तू? फैमिली आप ही की होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगा तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। तू यहाँ क्या सॉल्व करने आया है? बीच में आकर मूड खराब कर दिया, चल निकल यहाँ से। और क्या राय बे? ए, अगर इस लड़की से तूने कोई जबरदस्ती की तो तुझे पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए मेरा इस पर पूरा हक है। औरत कोई संपत्ति नहीं है कि उस पर हक जताया जाए। दुनिया पर शासन करने वाली शक्ति है ये, जो तुझ जैसे शैतान को भी खत्म कर दे। अरे तेरा प्रवचन तेरे पास रखो, निकल यहाँ से। मेरा यहाँ आना ऊपर वाले का फैसला था, लेकिन यहाँ से जाना कब है ये मेरा फैसला होगा। चलो बेटा, बेटा चलो, हम चलते हैं। चलो माँ, इनकी बातों में फरेब है, इनकी नजरों में धोखा दिखाई दे रहा है। बेटा चलो, अपनी नजर सीधे रख। बेटा चलो, बेटा चलो, मैंने कहा चलो बेटा, चलो चलो, मेरी बात मानो बेटा। अरे ये क्या, तू जैसा जानवर मेरा भाई नहीं है। जन्म दिया हुआ मेरा बेटा आंखों के सामने पागल बन के घूम रहा है। हमारी वजह से इसकी आज ये हालत हो गई है। इसके लिए अब तक मैं चुप बैठी रही, आज सबके सामने कहती हूँ कि यही मेरा बेटा है। तुम मेरे बॉस हो, तुम कोई कोर्ट से उठते नहीं हो, मेरे बॉस हो, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, तुम मेरा बेटा है, मेरा बेटा। किसी काम की नहीं है, पूरा खेल बिगाड़ दिया तूने। देखो वो यहां से जिंदा ना लौट पाए। उसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया, उसे मत छोड़ना। नहीं, भाग यहाँ से। भगा भगा, जल्दी कर। तो कांटा भी दुख जाए तो बेटा सह नहीं पाता, और तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओगे और मैं खामोश खड़ा देखता रहूंगा, काट के रख दूंगा।
हाथ तुझे याद है? गो! तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आजा। सुलाने के लिए तू क्या, तेरा बाप भी ऊपर से नीचे आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम जैसों से निपटने के लिए ऊपर वाले ने मुझे अलग सी शक्ति दी है। मेरे बदन के किसी भी हिस्से को अगर छूने की कोशिश की तो तेरा दी एंड। क्या हो रहा है वहाँ? युद्ध, युद्ध हो रहा है यहाँ। कौन बोल रहा है? गोड़से उर्फ बॉस। बॉस? यस बॉस, यूनिवर्सल नेम, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ पता है? भारद्वाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तुम्हारी इतनी हिम्मत की सीएम से इस तरह बात करो? तुझसे बात करने के लिए हिम्मत किस लिए? नोकिया में डोकोमो का सिम डालो और चालू हो जाओ। मेरा नेटवर्क तुझे नहीं पता। तेरा फ्यूचर क्या है ये मुझे पता है। तेरा तो खून बहेगा। वो छोड़, मैं यहाँ खून की नदी बहाने जा रहा हूँ। जानता है क्या कर रहा है? सब किताब बराबर करने जा रहा हूँ। तू अकेला है बच्चे। हाँ, लेकिन 100 पर भारी हूँ। मेरा टारगेट नहीं चूकता। अबे तेरे टारगेट की ऐसी की तैसी। 3 किलोमीटर तक मेरी सिक्योरिटी है। कहीं भी छुप जा, ढूंढ निकालूंगा। आएगा तो मरेगा। सुभाष चंद्र बोस की डेथ डेट नहीं है, इस बॉस का भी कुछ ऐसा ही है। आ रहा हूँ। आना तू। तो खुशकिस्मत है कि तू अपने चमचों के मरने की चीखें सुन रहा है। तेरा मरना तो कंफर्म है। जिसे याद करना है कर ले, क्योंकि तुझे बचाने के लिए तेरा बाप भारद्वाज भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। बी रेडी टू फेस। एक इंसान को पागल बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कोशिश की कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। सक्सेस मेरे कदम चूमने ही वाली थी कि मेरे एक प्यादे की हवस की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। ऐसी समस्या तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है भारद्वाज। बाय द वे, ट्राइमेक्स कंपनी वाले अपने फार्म हाउस में हमारा वेट कर रहे हैं। तुम आगे चलो, मैं बाद में आता हूँ।